केंद्र में आपके बहुत सारे स्कूल है, वहाँ अच्छे करो स्कूलों को, कंपटीशन करो, हेल्दी कंपटीशन करो। 5 साल से आप दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं और दिल्ली के अंदर शिक्षा का हाल क्या है? पिछले साल में 2.5 लाख से ज्यादा बच्चे ड्रॉप आउट हुए। शिक्षा मंत्री के नाते आपका दायित्व तो क्या है? 1030 स्कूलों में 700 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां पर आपके पास प्रिंसिपल तक नहीं। सिर्फ राजनीति की वजह से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो अच्छे काम हो रहे हैं उनको रोकना चाहते हो, षड्यंत्र के तहत? 700 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां पर आपके पास प्रिंसिपल तक नहीं। 784 स्कूलों में प्रिंसिपल क्यों नहीं है? 1030 में 784 में प्रिंसिपल नहीं है? आप शिक्षा के सुधार की बात कर रहे हैं, शिक्षा की क्रांति की बात कर रहे हैं? मनीष सिसोदिया और केजरीवाल दोनों ही असली मुद्दों से ध्यान बटाने का कोशिश कर रहे हैं। आज सिसोदिया साहब ने शिक्षा के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सिसोदिया साहब आप छोड़िए, हम क्या कर रहे हैं, हमें ये आज जनता को बताना है कि 5 साल से आप दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं और दिल्ली के अंदर शिक्षा का हाल क्या है? पिछले साल में 2.5 लाख से ज्यादा बच्चे ड्रॉप आउट हुए। शिक्षा मंत्री के नाते आपका दायित्व तो क्या है? 1030 स्कूलों में 700 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां पर आपके पास प्रिंसिपल तक नहीं, और मैथ पढ़ाने के लिए टीचर नहीं, साइंस पढ़ाने के लिए टीचर नहीं। 25% स्कूलों में केवल साइंस पढ़ाई जा रही है। 15,000 वैकेंसीज आज भी आपके स्कूलों में खाली। 10th की क्लास में 95% रिजल्ट आता था, 75% रिजल्ट रह गया, और आपकी सरकार ने, केजरीवाल ने, आपने कोई काम नहीं किया जिसकी बदौलत आज दिल्ली की जनता, दिल्ली का विद्यार्थी, उनके मां बाप निराश है, हताश है। वो इंतजार कर रहे हैं कि कब वक्त आए और केजरीवाल साहब को अपने वोट के माध्यम से बताएं कि दिल्ली की शिक्षा का बुरा हाल करने वाली केजरीवाल की सरकार के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और आपकी आपस की लड़ाई, आपसी रंजिश, आपकी आपस की सोच और छोटी नीति के कारण, छोटी सोच के कारण आज दिल्ली की शिक्षा बेहाल हुई है। और आज वक्त प्रश्न उठाने का नहीं, आज वक्त सिसोदिया साहब हिसाब देने का है। जाइए दिल्ली की जनता को हिसाब दीजिए कि शिक्षा मंत्री के नाते 2.5 लाख बच्चे ड्रॉप आउट हुए तो क्यों हुए? 784 स्कूलों में प्रिंसिपल क्यों नहीं है? 1030 में 784 में प्रिंसिपल नहीं है? आप शिक्षा के सुधार की बात कर रहे हैं, शिक्षा की क्रांति की बात कर रहे हैं? 15,000 टीचर्स और उनके पद खाली पड़े आपके पास भरने के लिए नहीं है? साइंस और मैथ के टीचर नहीं है? जवाब दीजिए जनता को जाके, क्योंकि जनता आपका दिल्ली में सुफड़ा साफ करने वाली है।